Alternative which in your opinion can increase the total profit further? क्या आपके पास कोई और तरीका है जिससे प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है? या देखिए फर्दर प्रोसेसिंग के बाद मेरी टोटल प्रॉफिट कितनी थी? 65,400 और स्प्लिट ऑफ पे मेरी प्रॉफिट कितनी है? 50,000 रुपया। क्या आपके पास कोई अदर अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है जिससे आप प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, यानी कि 65,400 से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो? ऐसा हो सकता है अगर आप इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट के लिए डिसीजन लो कि इन्हें कहाँ बेचा जाए। ठीक है, तो कहता है कि रिकमेंड एनी अदर अल्टरनेटिव विच इन योर ओपिनियन कैन इंक्रीज द टोटल प्रॉफिट फर्दर, कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट और लॉस बेस्ड ऑन योर रिकमेंडेशन। टोटल प्रॉफिट बताइए और प्रॉफिट और लॉस अपनी रिकमेंडेशन के हिसाब से भी बताइए, पर प्रोडक्ट कितना आएगा। फोर्थ अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट, पॉइंट ऑफ सेल, प्रॉफिट। के देखिए फर्दर प्रोसेसिंग के बाद कितना कमाते हो आप के में? 48,800 और स्प्लिट ऑफ पे कितना कमाते हो? 32,000। तो के को क्या करना चाहिए? फर्दर प्रोसेस, तो पॉइंट ऑफ सेल इसका होना चाहिए आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तब आप प्रॉफिट कमाओगे 48,800 रुपये का। एल आप स्प्लिट ऑफ पे कमाते हो 28,000 रुपया और एल वैसे भी बिकता ही कितने पे है? 2,800 रुपया ही वो स्प्लिट ऑफ पे बिकता ही है, एल में तो कोई स्कोप नहीं है, वो स्प्लिट ऑफ पे ही बिकता है 2,800। एम को अगर स्प्लिट ऑफ पे बेचा जाए तो 8,000, फर्दर प्रोसेस करके बेचा जाए तो 6,000। तो करोगे क्या फर्दर प्रोसेस? नहीं, स्प्लिट ऑफ पे बेचने पे ही ज़्यादा अच्छी इनकम है आपकी। स्प्लिट ऑफ पे 8,000 रुपये। एन को कैसे बेचा जाए? स्प्लिट ऑफ पे 7,200 रुपये कमाते हो और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 7,800 रुपया, तो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 7,800 रुपया टोटल प्रॉफिट। देखिए आप 65,400 रुपये कमा रहे थे जब आप फर्दर प्रोसेस के बाद बेच रहे थे, उससे भी ज्यादा आप कमाओगे 67,400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 5 है, कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग 5,000 टन्स ऑफ कोल एट द रेट ऑफ ₹15 पर टन इनटू अ कॉमन प्रोसेस। एक कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग 5,000 टन्स ऑफ कोल एट द रेट ऑफ 15 पर टन इनटू अ कॉमन प्रोसेस। 5,000 टन ऑफ कोल यूज किया जाता है 15 रुपए के रेट से, पर टन का रेट है 15 रुपए का एक कॉमन प्रोसेस में, और उससे क्या क्या निकलता है? कोक निकलता है 3,500 टन, टार निकलता है 1,200 टन, सल्फेट ऑफ एमोनिया निकलता है 52 टन और बेंजोल निकलता है 48 टन। ठीक है, कोक समझते हो क्या होता है? हाँ, कोक वो कोल होता है, ये प्रोसेस्ड कोल होता है जिसमें से धुआं कम निकलता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट धुआं नहीं निकलता है, ये फर्दर प्रोसेसिंग होती है कोल की। जब कोल की प्रोसेसिंग होती है तो ये 4 प्रोडक्ट निकल के आता है, कोल, टार, सल्फेट ऑफ एमोनिया और बेंजोल। ठीक है, अपोर्शन द ज्वाइंट कॉस्ट अमंग द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट मेथड,
कहता है फिजिकल यूनिट मेथड के बेसिस पे खर्चे को बांट दीजिए, तो टोटल खर्चा कितना है, 5000 टन इनटू 15 रुपया, 75000, 75000 रुपए का कोयला लगाए और इतना प्रोडक्शन पाए हो, तो 75000 रुपए के खर्चे को जितना जितना टन माल आया है उसी रेशियो में बांट दीजिए। अगर फिजिकल यूनिट मेथड यहां नहीं भी बताता तो आप क्या लगाते, फिजिकल यूनिट मेथड ही लग पाता, ठीक है। ज्वाइंट कॉस्ट इज इक्वल टू 5000 टन इंटू 15 रुपया, 75000, प्रोडक्ट आउटपुट शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, कोक टार सल्फेट ऑफ अमोनिया और बेंजोल, आउटपुट है 3500 ये टन में, 3500, 1200, 52, 48, 3500 अपॉन 4800 इंटू 75000 रुपया, 1200 अपॉन 4800 इंटू 75000 रुपया, 52 अपॉन 4800 इंटू 75000, 48 अपॉन 4800 इंटू 75000। तो देखिए जितनी आउटपुट है उसी रेशियो में आपने 75000 रुपए के खर्चे को बांट दिया। क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपनी प्रोसेसेस अ रॉ मटेरियल इन इट्स डिपार्टमेंट 1 टू प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट ए बी एंड एक्स एट द सेम स्प्लिट ऑफ स्टेज। कहता है डिपार्टमेंट 1 में जब प्रोडक्शन की जाती है एक रॉ मटेरियल को यूज करते हैं और तीन तीन प्रोडक्ट मिलता है ए बी और एक्स। ड्यूरिंग द पीरियड 180000 केजी ऑफ रॉ मटेरियल वर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट 1 एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 12,88,000। 180000 किलो रॉ मटेरियल का प्रोसेस किया गया था जिसकी कीमत थी 12,88,000 रुपया। रिजल्टेंट आउटपुट ए बी और एक्स के थे 18000 किलो, 10000 किलो और 54000 किलो। ए एंड बी वर फर्दर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट 2 एट अ कॉस्ट ऑफ 180000 रुपए एंड 150000 रुपए। कहता है ए और बी को फर्दर प्रोसेस किया गया डिपार्टमेंट 2 में जहां पे कॉस्ट लगी 180000 रुपए और 150000 रुपए। तो पहले तो ज्वाइंट खर्चा लगा 12,88,000 रुपए का, फिर जैसे ही ए बी और एक्स निकल गए तो ए की फर्दर प्रोसेसिंग की गई 180000 में, बी की फर्दर प्रोसेसिंग की गई 150000 रुपए में। जब देखिए 180000 के किलो को इनपुट डाला गया था लेकिन आउटपुट मिला कितना है, 180000 किलो इनपुट डाला गया था जिसकी कीमत थी 12,88,000, ये हो गया ज्वाइंट खर्चा, ठीक है।
अब इससे कितना निकला आपके पास? इसके पास से आया ए, बी और सी, ए, बी और एक्स। ए आया 18,000 किलो, बी आया 10,000 किलो और ये आया एक्स 54,000 किलो। एक लाख 80,000 इंट्रोड्यूस किए थे, क्या 1,80,000 किलो हो गया? नहीं, यानी कुछ लॉसेस भी हुए हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में ए और बी को फर्दर प्रोसेस किया गया डिपार्टमेंट टू में, ए को अब फर्दर प्रोसेस किया गया और इसमें खर्चा लगा है कितना? 1,80,000 रुपए का फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा। बी को फर्दर प्रोसेस में करने में कितना खर्चा लगा? 1,50,000 रुपए का। एक्स वॉज फर्दर प्रोसेस इन डिपार्टमेंट थ्री एट अ कॉस्ट ऑफ 1,08,000, इसको फर्दर प्रोसेस करने में कितना लगा? 1,08,000 रुपया। देर वॉज नो वेस्ट इन फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग में कोई वेस्ट नहीं था, यानी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी ए का आउटपुट कितना? 18,000, बी का आउटपुट कितना? 10,000 और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद एक्स का आउटपुट कितना? 54,000, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ सेल्स अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड वर एज अंडर, सेल क्या क्या हुई है देखिए। सेल कहता है हुई है 17,000 किलो ए की, 5,000 किलो बी की और 44,000 किलो एक्स की। इसका मतलब क्या है? ए आपने बनाया 18,000, बेचा 17,000, 1,000 क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉफिट निकालना होगा तो निकालेंगे 17,000 किलो के हिसाब से, कॉस्ट बांटना होगा तो बांटेंगे 18,000 किलो के हिसाब से। 10,000 किलो बनाया गया, 5,000 किलो बेचा गया, यानी 5,000 किलो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। खर्चा बांटेंगे 10,000 किलो के हिसाब से, प्रॉफिट निकालेंगे 5,000 किलो के हिसाब से। यहाँ पे 44,000 की सेल हुई है, यानी 10,000 यहाँ भी क्लोजिंग स्टॉक है। सेल वैल्यू 12,24,000, 2,50,000, 7,92,000। तो ये 17,000, 5,000 और 44,000 यूनिट जो सेल हुई है उनकी वैल्यूज बता रहा है। देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन है वो बस क्लोजिंग स्टॉक है। इफ दीज प्रोडक्ट्स वर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ स्टेज, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए, बी एंड एक्स वुड हैव बीन 50, 40 एंड 10 पर केजी रिस्पेक्टिवली। कहता है अगर ये प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ स्टेज पे बिके होते, अगर ये प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ स्टेज पे बिके होते तो सेलिंग प्राइस ए, बी और एक्स का 50 रुपए, 40 रुपए और 10 रुपए पर केजी होता। रिक्वायर्ड प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट टू ए, बी एंड एक्स। आपको ज्वाइंट कॉस्ट बांटना है, मेथड बताया है? नहीं। क्या करोगे? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, क्योंकि सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ हमें पता है 50 रुपए, 40 रुपए, 10 पैसा, 10 रुपए। चलिए खर्चे को बांटिए, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड। पर्टिकुलर ए, बी, एक्स और टोटल। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ के रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है तो प्रोडक्शन इनटू सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ लें या फिर सेल यूनिट इनटू सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ लें? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की बेसिस पे खर्चे को बांटिएगा। तो ए प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन कितनी यूनिट है? 18,000, 10,000 और 54,000। 18,000, 10,000 और 54,000, ये प्रोडक्शन केजीज में है, ठीक है। टोटल में कुछ नहीं लिखना। सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ, सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ बता दो, 50, 40, 10। सेल वैल्यू
at a split of, ये हो जाएगा A into B, 9 लाख, 4 लाख, 5 लाख 40 हजार, 18 लाख 40 हजार। ज्वाइंट कॉस्ट कितना है? 12 लाख 88 हजार। डी, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट इसी रेशियो में बांट देना है 12 लाख 88 हजार रुपए को। तीन लाख अठहत्तर हजार कैसे निकाला है आपने देख लीजिए, ये वाला हम लोग ने निकाला 9 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख 40 हजार इंटू 12 लाख 88 हजार। ये वाला कैसे निकाले 280, 4 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख 40 हजार इंटू 12 लाख 88 हजार। आ रहा है सबका? उसके बाद देखिए, प्रेजेंट स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट, आपको पर केजी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बताना है, ठीक है? कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट, इंडिकेटिंग ज्वाइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट सेपरेटली। आपको पर केजी का ज्वाइंट कॉस्ट बताना है। पर केजी का ज्वाइंट कॉस्ट में कौन सी बड़ी मेहनत है, 6 लाख 30 हजार डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 18 हजार, पर केजी का ज्वाइंट कॉस्ट करना है तो वैसे ही सारे का कर देंगे। और फिर पर केजी का आपको और क्या बताना है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का खर्चा हमें पता है कि नहीं पता है? पता है। और फर्दर प्रोसेसिंग के कॉस्ट को भी क्या करिएगा, 18,000 10,000 और 54,000 से डिवाइड कर दीजिएगा, पर यूनिट पता चल गई। एंड टोटल कॉस्ट सेपरेटली, इसको टोटल कॉस्ट भी चाहिए, तो पर यूनिट कॉस्ट भी चाहिए और टोटल कॉस्ट भी, ज्वाइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट भी। तो चलिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। पर्टिकुलर ए, बी और एक्स, और ये रहा टोटल। ए बनाए हो 18,000 किलो, बी 10,000 किलो और एक्स 54,000 किलो। हमें सबका पर यूनिट नहीं ना, पर केजी बोले ना, पर केजी, पर केजी और पर केजी।
लिखिए जॉइंट कॉस्ट ए का कितना आया है जॉइंट कॉस्ट 6,30,000 बी का कितना आया है 2,80,000 और एक्स का कितना आया है 3,78,000 और टोटल जॉइंट कॉस्ट है 12,88,000 ज्वाइंट कॉस्ट के बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना कितना है 1,80,000 है 1,80,000 1,50,000 है और इसका कितना है 1,08,000 है 4,38,000 है अब पर यूनिट बना लीजिए इसको 18,000 से डिवाइड करिए 35 इसको भी 18,000 से 10 इसको 10,000 से डिवाइड किया बी के खर्चे को इसे 54,000 से पैतालीस इसके बाद आपको बनाना है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट बनाना है मतलब कि ए बी और एक्स का अलग अलग प्रॉफिट भी दिखे और टोटल प्रॉफिट भी दिखाई दे तो प्रॉफिट कितनी यूनिट्स पे बनाएंगे हम लोग यूनिट सोल्ड पे बना लीजिए 3rd पार्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इफ आउटपुट इज सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग पर्टिकुलर ए बी एक्स और टोटल सेल वैल्यू तो हमें दी हुई है क्वांटिटी सोल्ड का कोई मतलब नहीं है सेल सेल वैल्यू 12,24,000 2,50,000 7,92,000 लेस शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट
17000 into 35, 5000 into 5000 into 28, और तीसरा वाला 44000 into 7. आपको पर यूनिट की जॉइन कॉस्ट पता ही है, तो जितनी यूनिट बेचे हो उतनी यूनिट का जॉइन कॉस्ट का खर्चा हटा दीजिए. 17000 into 35, 5,95,000, 1,40,000, 3,08,000, 10,43,000. शेयर और ज्वाइन के कॉस्ट के बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. सत्रह हजार इंटू दस, 5000 इंटू 15 और 54000 इंटू 2. ये हो गया 1,70,000, ये 75,000. कौन सा? ये 44,000. अट्ठासी हजार, 3,33,000. 35, 4,59,000. हाँ, कितना? 35,000. 3,96,000. 8,90,000. लास्ट पार्ट क्वेश्चन का देखिए. स्टेट विथ सपोर्टिंग कैलकुलेशन एज टू वेदर एनी और ऑल द प्रोडक्ट्स शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट. कहता है कि बताइए सभी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस किया जाए कि ना किया जाए, ये सपोर्टिंग कैलकुलेशन से बताइए. तो ये सभी प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होंगे तब तो क्या प्रॉफिट होगा पता लग गया. अब हम लोग एक स्टेटमेंट बना लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, फिर ये बात बता पाएंगे कि हमें फर्दर प्रोसेस किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए. लास्ट पार्ट ये कहता है कि आप बताइए कौन से प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करें और किसको ना करें. तो पहले सभी को अगर ना किया जाए तो क्या पोजीशन होगी ये देख लेते हैं. तो हम लोग फोर्थ पार्ट के पहले एक वर्किंग और कर रहे हैं फोर्थ पार्ट के लिए ही, एंड दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इफ आउटपुट इज not if output is sold at split off. See.